नमस्कार साथियों, और स्वागत है फिर दोबारा से आप सभी का अपने इस YouTube चैनल घर की छत को मुर्गी पालन। और साथ ही सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस चैनल को इतना प्यार दिखाने के लिए और 9000 प्लस सब्सक्राइबर्स होने के लिए। सो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। और सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ अपनी मुर्गियाँ, जो कि चाहे किसी भी बैच की हो, जैसे कि ये मुर्गा, ये मुर्गी, फिर ये सारे हो गए चिक्स हो गए, और बाकी कुछ ये चिक्स हो गए। और आज की जो वीडियो है उसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ ऐसी बात जो कि है तो बड़ी कॉमन सी, लेकिन फिर भी ज़रूरी है, और शायद मैंने पिछली कुछ वीडियोस में बोला भी था आप लोगों से। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप लोग ये देख सकते हो कि जो प्लास्टर है इस कमरे में वो हो चुका है। सो इसके लिए मैंने आपको पिछले कुछ वीडियोज़ में बोला था कि हम लोग सोच रहे हैं प्लास्टर करवाने के लिए। सो जो भाई हमारे दूसरे चैनल में भी है, यानी सिनारू ब्लॉग्स, और वहाँ पर भी हमारे वीडियोस देखते हैं, सो आप लोगों को पता होगा कि घर का जो काम है वो हमारा चल रहा था, यानी घर में बाहर की तरफ से हम लोग प्लास्टर करवा रहे थे। सो उसी में जो रेता बचा और सीमेंट हमें हालांकि लेकर के आना पड़ा था एक्स्ट्रा, सो उसके बाद जब घर का सारा काम हो गया, यानी बाहर का जो प्लास्टर हो गया, तो उसके बाद हमने नंबर लगाया अपने मुर्गी वाले कमरे का, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और साथ ही अगर आप देखोगे तो हर एक जो कोना है वो हमने भर दिया है, केवल हमने एक कोना छोड़ रखा है, ये कोना। और ये कोना भी हमने इसलिए छोड़ रखा है क्योंकि यहाँ से जो हमारा किचन का सीवर पाइप है वो इसमें आ रखा है, सो इस वजह से ये हल्का सा हमने छोड़ रखा है, क्योंकि कल के दिन जब हम ऊपर घर बनाते हैं तो उस समय इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। उसके अलावा चारों तरफ से अगर आप देखोगे तो जितने भी कोने थे उन सबको हमने प्रॉपर सील कर दिया है। और रीज़न ये है क्योंकि कई बार क्या होता था कि चूहे हैं जैसे कोने कोने में चढ़ करके, और फिर ये दूसरी साइड में जो हमारा सीढ़ी वाला कमरा है वहाँ पर चले जाते थे, वहाँ पर क्योंकि इनका दाना वगैरह रहता है, गेहूँ है, बाजरा वगैरह, सो वो खाते थे या वहाँ से इधर को आ जाते थे, सो इस तरह की कुछ दिक्कत होती थी। और उसके अलावा ये है कि गिलहरियाँ भी आती थी अंदर, सो हालाँकि गिलहरियों से तो खैर कोई इतनी दिक्कत थी नहीं, लेकिन चूहों से बड़ी परेशानी होती थी, तो इस वजह से ये सारा प्लास्टर करवा दिया। उसके अलावा दूसरा रीज़न ये था कि जैसे आप लोगों ने देखा था हमारे पिछले कुछ वीडियोस में कि कुछ मुर्गियों को छीछड़ हो रहे थे, यानी जो खून चूस रहे थे इनका, सो उसमें हमें दिक्कत ही हो रही थी कि जैसे हम अपने बर्ड्स को नहलाते थे बूटॉक्स में, इवन अगर आप देखेंगे सो मेडिसिन हमने इसमें अभी भी रखी हुई है, सो ये रखा है वो बूटॉक्स, और इससे हम लोग बीच बीच में नहलाते रहते हैं। और कल भी हमने अपने बर्ड्स को नहलाया, हालांकि उसकी मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मैं ऑफिस में था और भाई ने बनाई था, और सॉरी भाई ने जो सारे बर्ड्स हैं उनको नहलाया था बूटॉक्स में। तो जब हम उसमें नहलाते हैं इनको तो उस समय तो जो छीछड़ है वो ख़त्म हो जाते थे, लेकिन हमें जो लगता था कि दीवार में जो ईंटें हैं और ईंट के बीच में जो जगहें थी कि वहाँ पर वो जा कर के छुप जाते थे कुछ जो बचे बुचे हैं, या वहाँ पर एग्स वो देते थे, तो उससे जो है कि दोबारा हमारे बर्ड्स को छीछड़ दोबारा होने लगती थी। सो ये भी एक कारण था प्लास्टर करवाने का, ताकि जो दूसरे कीड़े हैं या छोटे मोटे कुछ और भी कीड़े हैं उनको भी ईंटों के बीच में जगह ना मिले, तो इस वजह से प्लास्टर हमने करवाया। तो अब काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हमें होने वाला है इस चीज़ से, क्योंकि जगह नहीं मिलेगी कीड़ों को छुपने के लिए, और जो मुर्गियां हैं वो भी ठीक से रह पाएगी और सेफ भी रहेगी, क्योंकि जब छीछड़ को छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी तो ऑटोमेटिकली वो ख़त्म होंगे। क्योंकि जब हम मुर्गियों को नहलाते थे उसके बाद पूरे कमरे में भी स्प्रे करते थे, लेकिन हो सकता था कि कोई ना कोई कोना ऐसा रह जाए जहाँ पर कि उनके एंट्स बच जाए या छीछड़ खुद ही छुप जाए, सो लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि प्लास्टर जो है वो पूरे कमरे में लगा दिया हमने ऊपर से लेके नीचे तक के, सो होपफुली अब ऐसी कोई दिक्कत ना हो। उसके अलावा अब जैसे कि बरसात है सो हम लोग देखेंगे, अभी तो खैर ये कंबल इसमें लगी हुई है दोनों तरफ, लेकिन आगे हम लोग कोशिश करेंगे कि इसमें फाइबर शीट लगाए कि बरसात में ऐसा ना कि पानी आए, और पानी निकालने के लिए हमने जगह भी छोड़ रखी है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को दिखाया था कि इनकेस अगर पानी इसमें पानी भरता भी है तो वो यहाँ से बाहर निकल जाए। उसके अलावा अगर हम बात करें बर्ड्स की हेल्थ की सो बिल्कुल ठीक है, और एक बर्ड मेरे को अभी भी थोड़ा सा जो लूज़ है वो नज़र आ रहा है, तो ये आप देख सकते हो ये वाला बर्ड जो है, हालांकि वैसे तो खैर जब हाथ लगा रहे हैं हम लोग तो आगे को बढ़ जा रहे हैं, तो लेकिन फिर भी इनको आज मैं फिर दोबारा से जो है लिक्सन पाउडर में लगा दूंगा, क्योंकि कल हम दोबारा से इनकी मेडिसिन लेकर के आए हैं, कैल्शियम की इनका रखा हुआ है, बाकी बूटॉक्स कल लेकर के आए थे हम,
और उसके अलावा जो लिक्सन पाउडर है वो हम लेकर के आए हैं कल। सो होपफुली आज इनको जो लिक्सन पाउडर मैं दोबारा से लगा दूंगा अभी वीडियो बनाने के बाद। उसके अलावा बात करें अगर फ्लिन चिप्स की, सो मेरे को ये फिर दोबारा से इसके अंदर ही रखने पड़े, और उसका रीज़न ये है क्योंकि जब प्लस्तर हो रहा था तो उसके लिए हमें इनको बाहर निकालना ही था क्योंकि अंदर छोड़ नहीं सकते थे हम। सो इस वजह से इनको हमने बाहर निकाला था, तो सबको एक ही केज में रख दिया था, और अभी मैं इनको फिर दोबारा बाहर छोड़ दूंगा ताकि ये दूसरे बर्ड्स के साथ खेल सके, घूम सके। और क्वालिटी वाइज आप देख सकते हो, और इवन पिछली वीडियोस में भी आप लोगों ने देखा था कि किस तरह से ये झगड़ रहे थे आपस में, इवन बड़ी मुर्गियों को भी मार रहे थे। सो इनको मैं निकाल दूंगा थोड़े टाइम बाद बाहर दोबारा से, क्योंकि थोड़ी सी जगह की दिक्कत ज़रूर है, अंदर से तो इतना पता नहीं चल रहा क्योंकि वीडियो में जो मुर्गियाँ हैं वो ज़्यादा पास पास नज़र आ रही है, लेकिन अगर आप ऐसे देखोगे तो थोड़ा सा कंजेस्टेड ज़रूर है। सो अभी मैं इनको बाहर निकाल दूंगा वीडियो शूट करने के बाद, और थोड़ी देर अपनी नज़रों के सामने रखूंगा ताकि जो बड़े बर्ड्स हैं वो नुकसान ना करें इनको, क्योंकि मेरे को तो बड़े पसंद आ रहे हैं वाले चिक्स, क्योंकि असील मिक्स में है और कलर वाइज भी मेरे को बहुत अच्छे लग रहे हैं। सो मैं नहीं चाहता कि इसमें से एक भी चिक मैं खाऊं। उसके अलावा ये वाला चिक आप देख सकते हो, चिक कबरा था, जितना अच्छा सा लग रहा है इसमें कलर वाइज। सो इस बार खैर बर्ड्स जो है वो काफ़ी अच्छे मेरे को लग रहे हैं। सो मैं नहीं चाहता हूँ कि अब एक भी बर्ड जो है वो हम खोए किसी भी कारण से, और ये भी आप देख सकते हो कि अंदर से ही ये काट निकले इसको हो रहा है, मतलब झगड़ निकले हो रहे हैं। तो कुछ इस तरह का माहौल, और इवन पिछले वीडियो में भी आप में से कई फ्रेंड्स ने बोला था कि जो सीन है वो ख़तरनाक हो रहा है, कि मतलब बर्ड्स जो हैं वो आपस में झगड़ रहे हैं। तो कई लोगों ने मेरे को ये भी बोला था कि मतलब चेतावनी सी दी थी कि थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि अगर इस तरह का माहौल रहेगा तो मुर्गियाँ आपस में झगड़ेंगी और उससे एक दूसरे को चोट भी लग सकती है। सो गाइस अब मुर्गियाँ रखी है तो प्रोटेक्शन भी उनकी ज़रूरी है। वैसे तो मैं सोच रहा हूँ कि ये जो अपना बड़ा वाला केज है, हरा वाला जो आप बाहर देख रहे हो, कि उसको मैं अंदर कर दूँ, और जो ये वाले चिक्स हैं अभी इनको कुछ टाइम और मैं उसमें रखूँ ताकि इनकी अच्छी ग्रोथ हो जाए थोड़ी सी, और उसके बाद फिर मैं इनको बाहर रखूँ। क्योंकि बात करें अगर ग्रोथ की, जो बैच हमारा बाहर है उसमें भी आप लोग देख सकते हो, जैसे ये वाला चिक है ये थोड़ा छोटा है उसके मुकाबले, अगर आप देखोगे तो ये दो चिक जो एक साथ खड़े हैं ये थोड़े बड़े हो रहे हैं, और इवन ये जो थर्ड चिक है ये इनके सामने थोड़ा छोटा लग रहा है। तो मतलब 19-20 का जो फ़र्क है वो आ रहा है, और किसी किसी बर्ड में कि थोड़ा ज़्यादा सा फ़र्क आ रहा है। इस कोने में अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देख सकते हो, ये दो बर्ड आपको एकदम बड़े नज़र आ रहे होंगे, उसके बाद जो तीन बर्ड्स हैं वो काफ़ी छोटे इनके सामने नज़र आ रहे हैं। सो कुछ इस तरह की ग्रोथ हो रही है, हालांकि बीच बीच में इनको जो मल्टी विटामिन है, विमराल और कैल्शियम सिरप है और लिक्सन पाउडर है, सो जो मेडिसिन है वो हालांकि ना के बराबर देता हूँ, लेकिन देता मैं ज़रूर हूँ बीच बीच में, और वो भी उस केस में देता हूँ जैसे जब बर्ड्स में को थोड़े ढीले से लगने लगे तो उस टाइम में देता हूँ। अदरवाइज़ मैं कोशिश करता हूँ कि जो उनकी फीड है, चाहे वो गेहूँ हो, मक्का हो, बाजरा हो, उसी में मैं इनको पालूँ। दवाई मैं सोचता हूँ कि कम से कम दी जाए इनको, तो लेकिन जब ज़रूरी है तो फिर देनी पड़ती है। उसके अलावा सर बात करें अगर हम बाहर की, सो बाहर खैर हम इनको इतना भी घूमने देते नहीं हैं क्योंकि छोटे वाले बर्ड्स हैं, और बाज का भी ख़तरा है कि जो चील है या बाज जो भी आप बोलते हो वो इनको लेकर के जा सकती है। सो इस वजह से जो बड़े मुर्गे मुर्गियां हैं उनको तो खैर हम छोड़ देते हैं। ये जो चार हमारे हो गए, जैसे ये जोड़ा है हमारा चील का, उसके अलावा ये जो दो मुर्गियाँ सबसे लास्ट में आपको दिख रही है, इनको तो हम एक बार के लिए छोड़ देते हैं बाहर, लेकिन जो बाकी चिक्स हैं इनको भी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि हो सकता है कि अगर हम इनको बाहर छोड़े तो जो चील है वो इनको उठा करके ले जा सके। सो गाइस आज की वीडियो में केवल इतना ही था, और साथ ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि जो भी हमारी अपकमिंग वीडियोज़ है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को लगातार मिलता रहे। और साथ ही गाइस मैं प्रमोट भी करना चाहूँगा अपने दूसरे चैनल को, यानी सिनारू ब्लॉग्स। तो गाइज यदि आप हमारे ब्लॉग्स देखना चाहते हो, कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हो अगर हमारे ब्लॉग्स देखना तो आप हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, उसका भी जो नोटिफिकेशन है उसका जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन पे मैं मेंशन कर दूंगा, वहाँ से भी क्लिक करके आप हमारे दूसरे चैनल पे जा सकते हो। क्योंकि लास्ट वीडियो में भी मैंने ये बात बोली थी, लेकिन कुछ व्यूअर्स का या कुछ सब्सक्राइबर्स का ये कहना था कि हम ब्लॉग का क्या करेंगे। सो गाइस मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं आपको मैंडेटरी करूँ, और मैंडेटरी करने वाला मैं होता भी नहीं हूँ कोई आपको। सो केवल आप लोगों से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि जो भाई हमारे डेली ब्लॉग्स देखना चाहते हैं, क्योंकि
अभी जब हम प्लस्तर वगैरह कर रहे थे उस टाइम हमने बर्ड्स को कैसे रखा, वो सारी वीडियोस कल वाले व्लॉग में भी है। सो गाइस, इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि यदि आप हमारे डेली व्लॉग्स देखना चाहते हो तो आप हमारे दूसरे चैनल यानी सिनारो व्लॉग्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर मैं डेली एक वीडियो पोस्ट करता हूँ। हालांकि वो चैनल मुर्गियों से रिलेटेड नहीं है लेकिन मेरी डेली लाइफ से रिलेटेड है, तो वहाँ पर मैं वीडियोस पोस्ट करता हूँ। सो उस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर दोबारा से बोल रहा हूँ, कोई कंपलसरी नहीं है, जो भाई इंटरेस्टेड है केवल वही हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अदरवाइज़ आप लोग इस चैनल में तो हो ही, इतना ही मेरे लिए बहुत है। तो साथ ही गाइस, आज के वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।